परेशान हूँ। प्रदेश सरकार में मंत्री और इसी कन्नौज के आपके लोकप्रिय विधायक श्री असीम अरुण जी और हमारे प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी, यहाँ के डीएम कप्तान और सभी अधिकारी और मेरे पत्रकार मित्रों, आज एक दिवसीय कन्नौज दौरे में मैंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ फिर जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ यहाँ के, क्योंकि कन्नौज इत्र नगरी है, यहाँ के कारोबारियों के साथ अलग अलग बैठकें करके सभी अलग अलग विषयों पर चर्चा किया है और आज दिन में कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया है और उस निरीक्षण के माध्यम से आप मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से जो सरकार की मंशा है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास करें, गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। इस दृष्टि से भी आज मैंने बहुत बारीकी से यह जिले की समीक्षा बैठक में चर्चा की है, काफ़ी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं, कुछ ऐसे भी विषय थे जिनके लिए निर्देश भी दिए गए हैं, कुछ अधिकारियों की जो लापरवाही थी उनको चेतावनी भी दी गई और अपेक्षा की गई है कि जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब तक कन्नौज जनपद की हर विकासपरक परियोजना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और जनपद कन्नौज का जो इत्र है जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जाता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कन्नौज के माध्यम से एक संदेश जाए कि यहाँ एक अलग अलग अच्छा अच्छा काम, कुछ चाहे वह विकास का हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं का हो, चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण का हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो और चाहे नए नए कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से। आज आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया था, इस दौरान आप एक तरफ निरीक्षण कर रहे थे, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की सवाल खड़े हो जाए। बेटा अपने एक पिता को कंधों पर ले जा रहा था, उसका कहना था कि स्ट्रेचर नहीं मिला हमको। नहीं, कुछ असुविधाएं रही हैं, उसके लिए मैंने बाद में बैठक किया था आप लोगों को उसमें अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल होता है, आप सब पत्रकार मित्र हैं, आप लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने बाद में बैठ करके सारी बातें की है, कहीं भी कोई कमी है उसे ठीक किया जाए। अभी इस बीच में कहीं कुछ जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी जिसके माध्यम से तमाम आउटसोर्सिंग कर्मी लगाए गए थे, वह कंपनी बदलने के बाद कुछ बीच में अव्यवस्था हुई है, लेकिन मेरी जानकारी में लाया गया है कि जल्दी ही जो नई कंपनी है उसके माध्यम से जो और काम आगे बढ़ाना है बढ़ाएंगे और जो अव्यवस्थाएँ उनको दूर करेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो और चाहे जनपद के अंदर कोई समस्या हो उसका समाधान। मंत्री जी, कैंसर अस्पताल है और कुछ समय पहले अपनी सरकार ने ये घोषणा की थी कि जितने अधिकारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, पर ऐसी स्थिति नहीं है जबकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, ऐसी स्थिति में स्कूलों को कैसे, प्राइमरी स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे जबकि सारी सुविधाएं हैं। कई बातें ऐसी हैं, मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहती हैं, सरकार भी चाहती है कि जो सरकारी विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे विद्यालय के अध्यापक हों और चाहे आप पत्रकार लोग हों, आपको भी कह रहा हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल भेजते हो उसकी भी ज़रूर समीक्षा करिएगा। हम लोग ये चाहते हैं और सबको अपील करते हैं, कोई इसमें हम बंधन नहीं डालते कि लोग, हम जो स्थिति आपने 2012 से 17 के बीच में देखी है वो स्थिति कैसी थी वो आप जानते हैं सब, लेकिन आज मैं जैसे गया एक विद्यालय बहरीन
और वहाँ जो बच्चों को मैंने देखा और या पूरे प्रदेश भर में देखते हैं, आज प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी लगता है कॉन्वेंट विद्यालय के पढ़ने वाले हैं, उनके बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, खेल की दृष्टि से भी अन्य सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि लोग कॉन्वेंट से नाम कटा करके अपने आप प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।